नमस्ते, मैं डॉक्टर यशोदन का, मैं मानसिक चिकित्सा करता हूँ, साइकोथेरेपी, और ब्रेन पे जो कुछ रिसर्च हो रहा है उसका भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो उसकी भी मैं स्टडी करता रहता हूँ। ब्रेन के रिसर्च में अब यह मालूम हो गया है कि अपना ब्रेन जैसी सारी सृष्टि उत्क्रांत हो गई होती रह गई और इवॉल्व होती रही, वैसा ही अपना ब्रेन भी इवॉल्व हो गया है। तो अपने ब्रेन में जैसे अन्य जानवरों में जो कुछ ब्रेन होता है वो भी पाया जाता है, तो अपने ब्रेन के फंक्शन के हिसाब से और ये जो उत्क्रांति के क्राइटेरिया से हम थ्री रीजन्स कर सकते हैं। तीन डिफरेंट पार्ट्स अपने ब्रेन के होते हैं। तो पहला पार्ट होता है जिसे हम बायोलॉजिकल ब्रेन या जैविक ब्रेन ऐसा कह सकते हैं, जैविक मस्तिष्क। तो यह जो बायोलॉजिकल ब्रेन है वह सरीसृप में, स्नेक्स में भी होता है, लेकिन सरीसृप में सिर्फ उतना ही ब्रेन होता है, उसके आगे के जो कुछ रीजन अपने ब्रेन में उत्क्रांत हुए हैं वो स्नेक्स में नहीं होते। तो यह जो बायोलॉजिकल ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, वो अपने शरीर में जो कुछ होता है वो कंट्रोल करता है। तो शरीर में हार्ट का फंक्शन, डाइजेशन, वैसे ही सेक्सुअल फंक्शंस, ये सब यह जैविक मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो सरीसृप में इतने ही फंक्शंस होते हैं। स्नेक को कोई भी डेंजर मालूम हो गया तो वो गुस्से में आता है और दंश कर सकता है और भाग जाता है, तो उनमें और कॉम्प्लेक्स इमोशन नहीं होते। इसीलिए जो स्नेक के फ्रेंड्स होते हैं, जो सरीसृप स्नेक्स को बचाते हैं, तो वो स्नेक अपने फ्रेंड्स को भी दंश कर सकता है। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसे सिर्फ डेंजर और सेक्स इतना दो ही मालूम होता है, और उसके साथ उसके शरीर में बदलाव होते हैं। तो वैसा ब्रेन उसके शरीर में जैसा है वैसा अपने भी शरीर में है। तो यह जो बायोलॉजिकल जैविक ब्रेन है उसे सिर्फ सेक्स और डेंजर यही मालूम होता है। तो यह नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मुझे कोई भी डेंजर महसूस होता है तो शरीर में जो कुछ बदलाव होते हैं वो बायोलॉजिकल ब्रेन के कारण होते हैं, और सेक्सुअल अट्रैक्शन के कारण जो भी कुछ बदलाव होते हैं वो भी बायोलॉजिकल ब्रेन के कारण होते हैं। अब अपने ब्रेन में और एक नेक्स्ट रीजन है, उसे कहते हैं इमोशनल ब्रेन, और मैमल्स ब्रेन ऐसा भी उसका एक नाम है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह जो मैमल्स है यानी कि कुत्ता गौवा, उसमें यह ब्रेन होता है। तो इस ब्रेन के कारण ये जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स होती है, अपना कौन, पराया कौन, अपना फ्रेंड्स कौन, अपना एनिमी कौन, और उसके प्रति होने वाले इमोशंस, यह इमोशनल ब्रेन के कारण होते हैं। तो यह इमोशनल ब्रेन में तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहते हैं। एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, तो यह होता है वह अपना मेमोरी सेंटर होता है। तो ये जो अपना पराया ये जो कुछ है वह मेमोरी में स्टोर होता है, और इसी के कारण यह अपना और यह पराया ऐसा हमें लगता है। दूसरा सेंटर होता है अमाइग्डाला, और वो है डेंजर सेंटर, यानी कि वो हमेशा जांचता रहता है और कोई भी डेंजर महसूस हुआ तो रिएक्ट करता है, और उसकी रिएक्शन के कारण यह इमोशनल ब्रेन में तीसरा एक पार्ट होता है, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस, और वह पार्ट है वह अपने शरीर में जो कुछ एंडोक्राइन्स है उसका बॉस है, किंग है। तो जैसा ही अमाइग्डाला रिएक्ट करता है तो वो हाइपोथैलेमस भी रिएक्ट होता है, और उसके कारण शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, और अपने शरीर में और मन में जो कुछ इमोशंस पैदा होते हैं वो इस हाइपोथैलेमस के केमिकल्स के कारण ही होते हैं। तो यह है इमोशनल ब्रेन। और तीसरा रीजन है जो है इंटेलेक्चुअल ब्रेन, तो यह भी मैमल्स में कुछ हद तक पैदा हुआ होता है, लेकिन यह जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है उसमें सबसे आगे एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और वह सिर्फ अपने इंसानों में ही डेवलप हुआ है, अन्य जानवरों में यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है।
तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है, वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। अन्य सारे जानवर सिर्फ वर्तमान क्षण का ही थिंकिंग कर सकते हैं, वो प्लानिंग नहीं कर सकते, वो आगे का नहीं सोच सकते। यह जो आगे की सोच है, इमेजिन करना है, कल्पना करनी है, यह सब अपने ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शन है। तो इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण ही हम ये जो कुछ कल्चर क्रिएट किया है, हम जो कुछ डिफरेंट इन्वेंशंस करते हैं, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के कारण होते हैं। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में और एक वेरी इम्पोर्टेंट एरिया होता है, उसे कहते हैं एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, और उसका फंक्शन है इमोशंस को रेगुलेट करना। तो जो हमने देखा कि इमोशनल ब्रेन में अमाइग्डाला, अगर सिर्फ अमाइग्डाला ने रिएक्ट किया तो अपनी जो कुछ इमोशंस होती है वो बहुत ही बेभान करने वाली होती है, इम्पल्सिव होती है, बहुत ही उसकी जो कुछ इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में यह जो रीजन है जिसे इमोशनल रेगुलेशन सेंटर कहते हैं, अगर वो एक्टिव रहा तो वो अमाइग्डाला को कंट्रोल करता है, और यह जो इंटेंसिटी इमोशंस की बढ़ती है वो बढ़ने नहीं देता। तो यह जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक जो फंक्शन और वह जो रीजन है वो बहुत ही आवश्यक है, इसके कारण ही हम अपना इम्पल्सिव बिहेवियर रोक सकते हैं। और हम यहाँ जो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में, साक्षी ध्यान के बारे में, तो वह साक्षी ध्यान वह जो इमोशनल रेगुलेशन सेंटर है अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, उसे एक्टिवेट करता है, और उसी के कारण अपना इम्पल्सिव बिहेवियर और इमोशंस की, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की जो कुछ इंटेंसिटी है वो कम होती है। इसी के कारण ये जो एंग्जाइटी, फोबिया, पैनिक अटैक, ये सब जो कुछ इमोशनल डिसऑर्डर्स है वो भी क्योर हो सकते हैं, क्योंकि अपना एंटेरियल सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो जो इमोशनल रेगुलेशन सेंटर है, वह एक्टिवेट करना साक्षी ध्यान से संभव है। और इसीलिए साक्षी ध्यान की प्रैक्टिस हर एक इंसान ने करनी चाहिए। इसके बारे में अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू।